नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। बिहार में नगर निकाय का चुनाव 18 दिसंबर को होने वाला है। चुनाव की घोषणा होते ही प्रत्याशियों में भागदौड़ शुरू हो गया है। सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद कर रहे हैं। अपने अपने चुनाव चिन्ह को लेकर मतदाताओं के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सफाई की व्यवस्था को लेकर जनता त्रस्त है। नगर पालिका के उदासीन रवैये के कारण शहर गंदगी से फटा हुआ है। इसी क्रम में रोहतास जिला के जाली में नगर वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी शांति कुमारी का चुनाव जीतने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। प्रतिदिन मतदाताओं के बीच 10 से 12 घंटा प्रचार प्रसार में लगी हुई है। वार्ड नंबर 6 के पूछने पर बताया कि मेरी प्राथमिकता है कि शहर की सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखूंगी और जीतने के बाद जनता के संपर्क में हमेशा रहूंगी। वार्ड में शौचालय लाइब्रेरी की भी व्यवस्था जनता के लिए करूंगी, इसके प्रति मैं प्रतिबद्ध हूँ। जबकि सभी प्रत्याशी जानते हैं कि गली गली और रोड की सफाई नहीं होने के कारण पूरे शहर में कचरा का अंबार लगा हुआ है। नाली से दुर्गंध आ रहा है, जबकि पूरा क्षेत्र के लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं। वार्ड नंबर 6 यह सफाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जितने के बाद निरंतर सफाई व्यवस्था में कमी नहीं आने दूंगी। न्यूज़ 9 नेटवर्क के लिए रोहतास से पार्श्वनाथ की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति देवी है। आप किस वार्ड से खड़ी हैं? वार्ड नंबर 6 से। ये बताइए, अभी तो हाई कोर्ट का आदेश था जो चुनाव जो है प्रक्रिया बंद हो गया था जी, लेकिन अब पुनः चालू हुआ है जो 18 दिसंबर से प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है। आप लोग पहले से प्रत्याशी हैं जी। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कौन सी सी बात चल रहा है कि इस वार्ड में क्या क्या आप काम कीजिएगा जनता के बीच में? इस वार्ड में बहुत सारा ऐसा काम है जो अभी तक नहीं हो पाया है, इसे रोजगार के लिए या सफाई भी है, रोड भी है, और बहुत सारे ऐसा चीज़ है कि लाइब्रेरी वगैरह 6 वार्ड में नहीं है जो बच्चों के लिए ज़रूरी है शिक्षा के लिए। और जहाँ तक हम समझते हैं कि नाली गाली तो ही है, नाली भी है, रोड भी है, और सामाजिक कार्यक्रम बहुत पहले भी की हूँ और आज भी करूँगी। कौन से सामाजिक कार्यक्रम करते आ रहे हैं महिलाओं के बीच में? महिलाओं के बीच में जैसे गैस चूल्हा निकलवा देना, राशन कार्ड दिलवा देना, बनवा देना, और बहुत सारे है, पेंशन योजना है, मजदूरी पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है। आपके दिमाग में ऐसी कौन सी योजना है जो प्रथम आपके दिमाग में जो कि आप इस वार्ड में जीतते ही आप करना चाहती हैं? मेरे प्रथम इस दिमाग में योजना है कि जीतते ही पहले सबसे पहले शिक्षा के माध्यम से लाइब्रेरी का व्यवस्था करूँगी। इसके बाद फील्ड में जो है पार्क वगैरह जरूरी है, पार्क वगैरह मैं लगवाऊँगी। अच्छा, ये बताइए बिहार सरकार की 7 निश्चय जो योजना है जी, या अभी धरातल पर उतना आया नहीं है जी, तो इसमें आप मैंने क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि सरकार से निवेदन करूँगी कि जल्द से जल्द जितना भी 7 निश्चय योजना है लोगों तक पहुँचाने का काम करूँगी। आपको क्या उम्मीद लग रहा है इस वार्ड नंबर 6 से? उम्मीद लग रहा है कि सब लोग वोट देंगे, सब लोग महिला जन सबकी कह रही हैं कि हम लोग वोट देंगे, आप ही जैसा प्रत्याशी हमको चाहिए। जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको? जी, पूरा सपोर्ट है जनता का। आप कितना मेहनत करती हैं अपने वार्ड में अपने चुनाव लड़ने के लिए? जी आप तो मेहनत कर रही हैं जी, कितना घंटा आप घूमती हैं? जी अपने वार्ड में तो बहुत पहले से मैं मेहनत की हूँ, अभी 10 घंटा करीब करीब मेहनत कर चुकी हूँ, करती भी हूँ वार्ड के लिए जी। आप पहले कोई ऐसा मुद्दा आपने जैसे ब्लॉक हुआ, नगर पालिका हुआ, ये सब लोग इस सब जगहों में जाकर? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।